Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talk. Right. Yeah. So, today we are going to decode a very beautiful system. Believe me, it's really very beautiful. Thing is, not that you know that after dividing a number, what is the remainder? That is called the modulo. No, 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 no. Not at all. I'm not going to tell that. I'm going to discuss something more. I just want to make you realize what actually the congruence relation is. How does the modulo system come into the picture and the questions which are expected in your CSE and uh, forest services, how th <coughs> those cannot be tackled only on your rote learning of remainder wala thing. Fair? So, टूडेज सेशन जस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट सेव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑफ द सेशन टू मिनट थिंग्स टू रिवाइज दीन की इधर में हम बकवास करने वाले हैं नो डेसिकली थिंग्स को हम कंसॉलिडेट करने वाले हैं कनेक्ट करने वाले हैं ठीक है ठेके? चले स्क टू मी तो हम आज बात करेंगे वॉट इज द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जस्ट मीडम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ध्यान से देख ना ठीक है हाउ इट विल लीड टू मॉड्यूलर सिस्टम Here, what is the partition of set of integers through modulo classes? Leave me, dear. When you talk about CSE and Forest Services exams, you कैन नॉट कंप्लीट द विदाउट दिस थिंग। आई एम यू कैन नॉट कंप्लीट तो छोड़िए यू कैन नॉट प्रोसीड इवन। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस राइट बट जब हम इस चीज को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत गलत याद किया हुआ था ठीक है <laughs> चलो आगे बढ़ता है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धैर्य रखा करिए कॉन्सेप्ट टॉक में एंड ऑफ द सेशन आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं तो आपने कहां से शुरू किया मुझे नहीं पता लेकिन मैं यहां से कर रहा हूं बस इतना ध्यान दीजिए कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ध्यान से देखना तो आई सेट कि लेट ए एंड बी आर सम इंटेजर्स इंडरलाइन द वर्ड सम दोज में बी पॉजिटिव दोज में बी नेगेटिव एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटेजर ओके देन एन क्या है पॉजिटिव है ए और बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं ठीक है मॉड्यूलर सिस्टम में जाएंगे तब देखेंगे कि बी को नॉन नेगेटिव होना चाहिए बट फॉर द टाइम बीइंग फोकस ऑन दिस वर्ड ओनली देन, इज़ ऐसे बोला जाता है इसको ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन इफ़ ए माइनस बी ज डिविजिबल बाई एन क्या बोला सिंबोलिकली इसको कैसे लिखा जाता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन इफ ए माइनस बी एन डिवाइड ए माइनस बी दिस द सिंबल ऑफ डिवाइड फिया? अब आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाना तो मॉड्यूलो सिस्टम है ये आपने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो है, आपने याद कर रखा है वो तो है ही बाकी अगर आप विजुअलाइजेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में वेयर यू सी द मॉड्यूलो सिस्टम माई डियर फेलोज कैन एनी टेल मी थिंक अबाउट इट एंड डू रिप्लाई चलिए तो वॉट इज द ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन हियर देखना ध्यान से द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस ऑन सेट ऑफ इंटेजर्स इज एन इक्वेलेंस रिलेशन क्यों है देखिए ध्यान से सिंस ए माइनस ए दट इज जीरो पॉजिटिव इंटीजर विल डिवाइड जीरो दिस इंप्लाइज ए इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इट्सल्फ मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए दैट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज वॉट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ठीक से देखेंगे लेट इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड्यूलो एन इफ से स्टार्ट करते हैं जानते हैं ना सब लोग सिमेट्रिक को दिस इंप्लाइज एन डिवाइड ए माइनस बी राइट ये किसको इंप्लाई करेगा एन डिवाइड बी माइनस ए एज वेल इफ दिस इज द हैपनिंग

तो ऐसा नहीं होता है कि आपसे यूपीएससी ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा एज वी ऑलवेज टेंड टू लर्न समथिंग इन दिस मैनर बट दैट इज द रोंग वे बिकॉज इन दिस वे यू एक्सप्लोर द आइडियाज यू ट्राई टू राइट द मैथमेटिकल लैंग्वेज यू ट्राई टू गेट द वीकनेसेस वेयर यू स्ट्रक इन पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड वंस यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग लाइक दिस थिंग्स बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू टू कैरी टू रिकॉल टू रिवाइज क्लियर सो अब यहां पर मॉड्यूलो की बात हुई है तो इस मॉड्यूलो पर हमें आगे बढ़ना है क्योंकि आज के सेशन का पर्पज ही था मॉड्यूलों को डिकोड करना राइट चलिए वोट प्लेस एवरी वन अगर आप क्लॉक की बात करें तो क्लॉक जो है ना वो मॉड्यूलो ट्वेल्व पर वर्क करता है किस पर वर्क करता है नॉर्मली मतलब वन टू ट्वेल्व वाला जो है इसको जीरो जीरो दिस इज वन दिस इज इलेवन सिक्स एंड सोन तो क्लॉक वर्क ऑन द मॉड्यूलो ट्वेल्व सिस्टम राइट और नॉट

एट अ सर्टेन लिमिट कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखना uh, मान लो जीरो वन टू थ्री अपलेवन आपने लिया ट्वेल्व वापस से किससे रिप्रेजेंट होगा जीरो से थर्टीन वापस से किससे रिप्रेजेंट होगा वन से फोर्टीन किससे होगा टू से कहने का मतलब ट्वेल्व इज दैट सर्टेन लिमिट जिसके बाद में अब मान लो आपको 24 लिखना है तो 24 फोर इज अगेन जीरो आपको 48 लिखना है 48 एट इज अगेन आपको 52 लिखना है दैट दीन्स फोर ठीक है सो so, हो क्या रहा है आफ्टर दिस लिमिट ऑल इंटीजर्स आर बींग विद इन दैट लिमिट तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मोड्यूलो सिस्टम तो ये जो सर्टेन लिमिट होती है इसको ही बोलते हैं मॉड्यूलो और जो लिमिट है आपकी लेट से यहां पर एन लिमिट है लेट से टेन लिमिट है लेट से ट्वेंटी लिमिट है सो यू विल कॉल मॉड्यूलो एन मॉड्यूलो टेन और मॉड्यूलो ट्वेंटी लाइक दैट सो मॉड्यूलो इज क्लियर पेयर एनफ सो जब हम मॉड्यूलो की बात करते हैं तो मॉड्यूलो ट्वेल्व के अंदर में ऑल द एंटेजर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाई सम नॉन तो इसके अंदर क्या होगा हियर ऑल इंटीजर्स ध्यान से देखना निगेटिव पॉजिटिव जीरो वट एवर यू टेक आर रिप्रेजेंटेड बाई आर रिप्रेजेंटेड बाई सम नॉन नेगेटिव इंटेजर फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने कहा ट्वेल्व और इसको लिखा कैसे जाता है उसको देखे जरा ए इज रिप्रेजेंटेड बाई बी मॉड्यूलो एन अब यहां पर ये जो बी है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए ठीक है मतलब हमने जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ा है ये उसी का एक सब फॉर्म है एक सब टॉपिक है अब वहां पर भी कुछ भी हो सकता था लेकिन रिलेशन तो कॉन्ग्रुएंस है तो जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज है उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं क्लियर तो कहने का मतलब यह है और यहां पर जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है ये जो एन है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए अच्छा डियर फेलो आपको ये लग सकता है कि नॉन नेगेटिव क्या होता है सर ये बता दीजिए तो नॉन नेगेटिव मींस वो नेगेटिव नहीं है इसका मतलब वो जीरो भी ले सकता है और पॉजिटिव भी ले सकता है चले अब देखना ध्यान से तो जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए ध्यान से अगर मुझे 12 को रिप्रेजेंट करना है मॉड्यूलो 12 में तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड ध्यान से देखिए यहां ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी इन मॉड्यूलो एन इसको कैसे बोला जाएगा ए इज रिप जेंटेड बाई बी इन मोड्यूलो एन सिस्टम दिस इज सैड लाइक दिसल्व को करना है तो ट्वेल्व विल भी रिप्रेजेंटेड बाई जीरो मोड्यूलो ट्वेल्व फॉर एग्जाम्पल थर्टीन तो थर्टीन विल भी रिप्रेजेंटेड बाई वन मॉड्यूलो ट्वेल्व व रीजन बिकॉज इफ थर्टीन वॉन्ट्स टू बी कॉन्ग्रुएंट then 13 minus that number should be divisible by 12. So तो अब यहाँ से 13 में से कितना minus किया जाए कि वो 12 से divisible हो क्या बोला 13 में से कितना minus किया जाए कि वो 12 से divisible हो So one से For example आपने यहाँ पर लिख दिया 15. तो so, 15 में से कितना minus किया जाए कि वो 12 से divisible हो तो 15 माइनस थ्री दैट इज अब आप कहेंगे कि सर 15 15 में से माइनस कर दो तो भी तो डिविजिबल होगा आई एम सेइंग हियर दिस नंबर वी क्या होना चाहिए इट विल बी लेस देन जीरो नंबर जिसमें मॉड्यूलो सिस्टम में आप डिफाइन कर रहे हैं उसके बराबर नहीं लेंगे क्योंकि उस पर तो एग्जॉस्ट ही हो रहा है उस लिमिट पे जाके तो एग्जॉस्ट हो रहा है ना ट द पॉइंट अब इतना तो आपने याद कर लिया था अब मैं आपका बाजा बजाता हूं रेड पेन यूज करता हूं इतना तो आपने भी रटा था कि सर हमने पंद्रह को बारह से भाग दे दीजिए जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका रिप्रेजेंटेशन होगा मॉड्यूलो में राइट बट वेन आई ये आस्क कि मेरे भाई माइनस फोर अब बताओ जरा माइनस फोर मॉड्यूलो ट्वेल्व में किससे रिप्रेजेंट होगा प्लीज रिप्लाई अब देखिए इसी दिन के लिए डेफिनेशन पढ़े जाते हैं इसी दिन के लिए ये कॉन्सेप्ट टॉक चल रहे हैं और आप बोलेंगे सर हमारे में तो माइनस आता नहीं है अभी तक हमने यूज ही नहीं किया तो आपने गलत पढ़ा है भाई अल्जब्रा <laughs> अलजब्रा के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी यूज होते हैं क्यों नहीं पढ़ा ये आप जरा चेक कीजिए अब आप अपने डेफिनेशन पर जाइए क्योंकि उपेंद्र हमेशा क्या बोलते हैं बेटा नेवर इग्नोर डेफिनेशंस बिकॉज दोज आर द बेस ब्लॉक्स ऑफ योर लर्निंग ऑफ योर सिस्टमेटिक लर्निंग राइट और नॉट डेफिनेशन क्या कहता है कि ए को बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉड्यूलो एन में अब ए कोई भी इंटीजर हो सकता है तो मैंने पॉजिटिव पे भी काम कर लिया अब मैंने उठाया निगेटिव तो आपसे कहा कि बताइए किस बी से रिप्रेजेंट होगा बी होना चाहिए नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव नहीं चाहिए वो तो यहां पर अगर मैं एट लिख दूं, तो बात बनेगी या नहीं माइनस फोर माइनस एट इक्वल्स माइनस ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई ट्वेल्व और नॉट माइनस फोर दिस इंप्लाइज क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस फोर इज रिप्रेजेंटेड बाई एट इन मॉड्यूलो ट्वेल्व आई होप दिस विल बी क्लियर सो डोंट फॉरगेट टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन माइनस सेवन इन मॉड्यूलो ट्वेंटी वन आंसर इज वॉट रिप्लाई ठीक है सो थिंग इज ने कंप्रोमाइज डेफिनेशन तो आई गेस अब आपको यह समझ आ गया होगा कि मास्टर यार बहुत चालाक है <laughs> कभी भी चीजों को तितर बितर पढ़ाने का आप मुझे कितना कह दीजिए कि सर एक वीडियो बनाना है शॉर्ट वीडियो बना दीजिए पहले तो मैं शॉर्ट्स बनाता नहीं हूं ठीक है और बनाऊंगा भी तो मेरे दिमाग में इतना होगा मेरे भाई कि ये लटर पटर कुछ नहीं करना है कि मैं एकदम आऊं चिल्लाऊं चीखूं और आपको ऐसा लगे कि हाँ बादल फट गया है इट डज नॉट लाइक दैट हां अगर आप मुझसे कहेंगे मेरे को चैलेंज करेंगे आई विल ट्राई टू गेट द मोस्ट क्रक्स बट इन अ वेरी कनेक्टिंग मैनर देन ओनली आई कैन डू इट अदरवाइज आई विल सिंपली से नो थिंग इज दैट कि जब मैंने डी द मॉड्यूल सिस्टम बोला और बोला कि 20 से 25 मिनट का सेशन होगा आई ऑलवेज लाइक प्रिपेयर लाइक दिस इन माई माइंड कि हाँ किस चीज को कहां से ले जाके कहां छोड़ना है और ये एक मिनट आपका इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया जस्ट टू मेक यू फील कि बेटा नेवर कंप्रोमाइज विद द सिस्टमेटिक लर्निंग फॉर्मूला याद करना इज नॉट द मैथमेटिक्स और ये गलत फहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए वो ठीक रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से कहानी स्टार्ट की हमने कहां पहुंच गए मॉड्यूलो सिस्टम पर चलो अब मॉड्यूलोस की जब आप बात करते हैं ध्यान से देखना तो कैसे बात करते ए इज रिप्रेजेंटेड बाई बी मोड्यूलो एन इफ ए माइनस बी इज डिविजल बाई एन यहां पर ए क्या है ए कोई भी इंटीजर हो सकता है बी जो है वो लेस देन एन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो जब भी आप मॉड्यूलोस के बारे में ख्याल करें तो इतनी चीज अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखिए हमेशा रखिए ठीक और अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो दो आपके दिमाग के एकदम हिला देगा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो भ्रम टूट गया ठीक तो तोड़ते हैं भ्रम धीरे धीरे ठीक <laughs> चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड्यूलो टू की बात करें ध्यान से देखना मॉड्यूलो टू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z2 से दिस इज सिंबल टू इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप लिखते हैं वो जीरो वन लिखते हैं ठीक है अब आप समझना भ्रम क्या टूटना होता है मेरे भाई दीज आर नॉट सिंपल दीज आर नॉट सिंपल इंटीजर्स रेड पेन से सर्किल कर देता हूं क्योंकि आपका भ्रम टूटेगा यहां पर दीज आर नॉट सिंपल इंटीजर्स मेरे दोस्त जब भी आप z2 के अंदर जीरो वन लिख रहे हैं तो मेरे भाई हियर जीरो इज नॉट सिंपल इंटीजर हियर जीरो इज अ क्लास और क्लास कैसे आया इफ यू हैव मिस्ड द कॉन्सेप्ट टॉक फॉर इक्विवेलेंस क्लासेस देन प्लीज अटेंड दैट यू विल सीली एंजॉय हमने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तो आपको शो so किया कि ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स उस रिलेशन के अंदर जो जो रिलेशन डिफाइन होंगे उनको बोलेंगे इक्वेलेंस क्लासेस और इक्वेलेंस क्लासेस चूंकि हम कॉन्ग्रुएंस और मॉड्यूलो में हैं तो यहाँ पर इसको बोलेंगे मॉड्यूलो क्लासेस तो यहाँ पर ये जो जीरो आप लिख देते हैं बेसिकली जो ऑथर है वो आपको पेज वन पे बता देता है कि मेरे इस जीरो का मतलब क्या है लेकिन हमें टाइम नहीं होता पढ़ने का पहला पढ़ना है ना तो हम उसको एज इट इज रटते चले जाते हैं तो आज मैं आपका भ्रम तोड़ रहा हूं कि दोस्त यहां ये जीरो नहीं है सिंपल बेसिकली ये एक सेट है जिस सेट के अंदर मतलब जीरो जो है ना इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो जीरो से रिप्रेजेंट होते हैं इन द मॉड्यूलो टू तो इसके अंदर जीरो आएगा टू आएगा फोर आउट आएगा, राइट right? इसके अंदर नेगेटिव टू आएगा नेगेटिव फोर आएगा नेगेटिव सिक्स आएगा एंड सो वन आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो ये जो सिंपल जीरो लिखने की गलती आप करते हैं वो सिंपल जीरो इंटीजर नहीं है बेसिकली दैट इज जीरो क्लास इन मॉड्यूलो टू एंड विच इज गिवन बाय दिस Here 1 is not simple in teaser. Basically, it represents an equivalence class, means elements which are congruent to 1 in modulo 2. So, what will be those elements? You may have minus 3 because minus 3 minus 1. Divisible by 2, minus 1, you may have 1, you may have 3, and so on. आई गेस भ्रम टूट गया होगा एक और चीज मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देता हूं और बी ऑन द बोर्ड प्लीज सपोज दैट आप मॉड्यूलो थ्री में बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलो थ्री के अंदर जीरो वन टू बी कितना हो सकता है ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन एन सो एन एज थ्री सो तीन ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे अब अगर आप ये सोचें कि यहां पर जीरो सिंपल इंटीजर है तो आप गलत हैं मेरे दोस्त यहां जीरो सिंपल इंटीजर नहीं है हियर जीरो इज द क्लास जीरो मींस इट इज अ सेट विच कंटेन दोज इंटीजर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाई जीरो इन मोड्यूलो थ्री दैट मीन्स ये जो क्लास है इसके पास कौन कौन से नंबर होंगे मोड्यूलो थ्री में इट मे हैव माइनस सिक्स इट मे हैव माइनस थ्री इट मे हैव जीरो इट मे हैव थ्री सिक्स नाइन एंड सो वन सिंपली इफ यू टॉक अबाउट दिस सो दिस इज द क्लास बेसिकली सो दिस विल बी माइनस फोर माइनस uh, फोर हो गया आपके पास अब वन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वन जाएगा फिर आपको मिल रहा है फोर एंड सो ऑन सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट दिस सो टू इज नथिंग यू मे हैव हियर माइनस फाइव राइट यू मे हैव टू यू मे हैव सेवन नो 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 क्या है टू से ना तो थ्री टू जो सिक्स दैट इज एट एंड सो ऑन चेक इट आउट आराम से देखिए भ्रम टूटा कि नहीं अरे बोलो हाँ या ना फॉर श्योर फॉर श्योर आई एम शेइंग बिकॉज दैट इज माई एक्सपीरियंस पर्सन ऑप्शनल बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई वॉज इन सम टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल तो तब से मेरा एक एक्सपीरियंस है कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है बच्चों को छोड़ो यार मेरे भी, भी एज ए स्टूडेंट तो यही चला होगा तो जब आप कहेंगे कि किसी बुक में सर ऐसे लिखा था तो लिखने का मतलब यह है कि एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया है लेकिन जैसे ही इसको Z2 के साथ अटैच किया गया Z3 मतलब मॉड्यूलो थ्री के साथ अटैच किया गया तो ये सिंपल इंटीजर्स ना के यह मॉड्यूलो क्लासेस बने हैं और एक मॉड्यूलो क्लास के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स दिखाई दे सकते हैं क्लियर है बात किसी को कोई दिक्कत भ्रम टूटा कि नहीं तो एक और भ्रम तोड़ दूं जाते जाते टू थ्री मिनट्स मोर चल मजा आएगा आप मुझे यह बताइए क्या Z2 टू सबसेट है Z3 थ्री का बस इतना बताओ concept से येस और नो प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन और चूंकि कॉन्सेप्ट टॉक्स है हर टॉक में हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं इफ यू फील लाइक यू हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आई एम गोना गिव यू हियर यू लाइक डैम श्योर पुट इन द कमेंट सेक्शन आई चेक एंड आई श्योरली कन्वर्स थिंग्स इन द नेक्स्ट चैट ठीक है मेरे प्यारे दोस्त आप ये ख्याल रखिए कि मैं आपको आज एक हिंट देके जा रहा हूं टू मॉड्यूलो सिस्टम्स आर लाइक टू डिफरेंट यूनिवर्स ठीक है वो एकदम से अलग अलग चीजें हैं अलग अलग दुनिया है तो ंट बी कंपेयर्ड अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो तो आप ध्यान से देखना अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो वाय शो आप जरा देखिए Z3 में जो जीरो है वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 का जो जीरो है वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दोनों सेट्स को जरा कंपेयर कीजिए क्या आप इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है काइंड ऑफ थिंग नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल एक और भ्रम टूटा कि नहीं अरे बोलो हाँ या ना <laughs> बात क्लियर हुई है नहीं और फिर से मैं आपको कहूंगा जो मैंने यहां बोला है रेगुलर क्लासेस में तो इस पर काफी चर्चा हो जाती है ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो यहां पर एक दो बार बोलना ही काफी होता है अगर आपको फिर से सुनना है तो इसको रिमाइंड कीजिए फिर से सुनिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर सुनिए ठीक आगे बढ़ते हैं सॉरी द लास्ट नोट द लास्ट नोट ओवर द मॉड्यूलोर सिस्टम विच आई वॉन्ट गिव यू हियर देखिए ध्यान सेन्स कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म करना यही तो ब्यूटी है सिस्टमैटिक लर्निंग की सिस्टमैटिक टीचिंग की राइट बाकी पढ़ाने को क्या मैं आज से बारह साल पहले भी पढ़ाता था और आज में अंतर क्या है ज्ञान का अंतर नहीं है ज्ञान उस तक से हो सकता है उस टाइम ज्यादा हो अब अंतर केवल इतना है कि जो टीचिंग है ना टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते आप वो टाइम लेते ही है बैच बाय बैच ईयर बाय ईयर हम चीजों को समझते हैं स्टूडेंट्स से मिलते हैं स्टूडेंट्स का फीडबैक रहता है और उस चीज को किताबों में नहीं लिखा जा सकता सो दैट इज वॉट द लाइक मैसेज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट टॉक्स आर आई गेस यू पीपल विल बी फीलिंग दैट राइट सो वैन यू टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन तो वी हैव स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट इट इज एन क्लेंस रिलेशन तो क्या करेगा ये इट डज अच्छा किस पर है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स तो इट डज द पार्टीशन ऑफ जेट इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट द पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है डोन्ट मिस टू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ इक्वेलेंस क्लासेस कॉन्सेप्ट टॉक इक्वेलेंस क्लासेस डोन्ट मिस दैट पार्टीशन का मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल देखे जेड कैन बी रिटर्न एज द इक्विवेलेंस क्लास जीरो यूनियन इक्विवेलेंस क्लास इन जेड टू सिस्टम फॉर एग्जांपल वन जेड कैन बी रिटर्न एज जीरो वन टू इन जेड थ्री तो इफ यू वांट टू एंजॉय इट मोर फॉर गेट टू कम बैक ऑन द स्लाइड प्लीज ऑब्जर्व अगर मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लू दिस यूनियन विल गिव यू द होल सेट ऑफ इंटीजर्स नॉट ऑल्सो दिस सेट एस वन एंड एस टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज फाइव इफ यू ऑब्जर्व हियर यू हैव थ्री सेटे सॉरी सॉरी दिस वाला. So, this is S1, this is S2, this is S3. You can observe Z is S1 union S2 union S3 with the set S1 intersection S2 is 5, S2 intersection S3 is 5, S3 intersection S1 is 5. So, this is a partition of Z through the modulo 3 system. Getting? I hope you have certainly enjoyed this conversation. And, if you have more suggestions, don't forget to let us know. So, from where I have started, I have started from congruence relation, right? Went on Bordelot system and went on partition of Z, right? So, this is the whole crux. Never forget to visualize the concept, removing जो आप रिमाइंडर फिमाइंडर ये सब याद कर लेते हैं जबरदस्ती दीज थिंग्स मे बी इंजूरियस टू हेल्थ मे बी इंजूरियस टू सिस्टमेटिक लर्निंग राइट तो कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड लक